जननी जागा जीवाना पे जो मारे ना सुनी भैया तो गाय और बैल दोनों रो रो करके अपनी करुण गाथा सुनाने लगे कि महाराज आप जानना चाहते हैं कि हम कौन हैं तो सुनिए हम कौन हैं। श्री महाराज की साया में गौ ब्राह्मण निर्भय रहते हैं पर समय देख कर दीन बंधु हम अपनी भावी कहते हैं। कुछ दिन के बाद जमाने की अब हवा बदलने वाली है धर्मावतार यह धर्मों की सबसे आखिर दिवाली है। कुछ दिन पीछे क्षत्रिय कुमार जागेंगे नहीं जगाने से सिंह के पूत डर जाएंगे गीधड़ भव की दिखलाने से छूट जाएगा लोक में क्षत्रिय का अधिकार राजकाज बन जाएगा बनियों का व्यापार। महाराज ये जो पीछे कलयुग आ रहा है ना इसमें ये कैसा समय आ जाएगा क्षत्रिय कायर हो जाएंगे कायर
किसी ने सच कहा है, वो नेहरू चाचा बदल गई दुनिया, ओ नेहरू चाचा बदल गई दुनिया, क्षत्रिय कायर हो जाएंगे, सिंह के पूत डर जाएंगे, गीधड़ भौंकी दिखलाना। महाराज जिस गाय को आप गाय समझ रहे हैं, ये गाय गाय नहीं है, फिर ये कौन है? परीक्षित कहने लगे, कहा आप जानना चाहते हैं ये गाय कौन है? यह गाय नहीं है पृथ्वीपति, यह गाय नहीं है पृथ्वीपति, यह ही पृथ्वी कहलाती है, व्यथा सोच दुनिया से भागी जाती है, कारण संसार छोड़ कर जाता हूँ, सतयुग में भी सचरण रख कर मैं तीन लोक में व्यापक था, त्रेता में 16 चरण रहे, फिर भी चलने के लायक था, लेकिन अब कलयुग आया है, पृथ्वी को नीचे दबा दिया और मेरे भी पैर तोड़ डाले, महाराज महाराज मैं धर्म हूं धर्म, ये गाय गाय नहीं है पृथ्वीपति, ये पृथ्वी कहलाती है। अपने भविष्य की व्यथा सोच करके भैया भक्तुलाल संसार छोड़कर भागी जाती है। महाराज मैं धर्म हूं धर्म, अरे सतयुग में मैं 20 रण से मस्त घूमता था, त्रेता आया तो 16 चरण से गुजर करता रहा, द्वापर में मैं 12 चरणों से ही अपनी गुजर बसर चलाता रहा, लेकिन महाराज इस कलयुग ने आकर के मेरे पैर तोड़ डाले, मुझको लंगड़ा कर डाला, लूला लंगड़ा लोग की क्या कर सके सहाय, नाथ भागने के सिवा अब कछु नहीं उपाय। खड़ा है सामने कलयुग का अवतार, खड़ा है सामने, अरे कलयुग का अवतार, हमें जीत कर विश्व में रोपेगा अधिकार। महाराज जो ये सामने बैठा हुआ है, महाराज जो ये सामने बैठा हुआ है दाताराम जी, ये साक्षात कलयुग है महाराज, कलयुग ये संसार में अपना अधिकार जमाना चाहता है, ये अधिकार। नाथ आगे कौन सा समय आ रहा, आगे वो समय आ रहा है
बेटियां न कोई जानेगा। समय आ रहा छत्री कायर हो जाएंगे, बनिए अधिकार जमाएंगे, दोनों का खून चूस करके पापी जन प्यास बुझाएंगे। हम धर्म धर्म चिल्लाएंगे तो वे खिलिया उड़ाएंगे। मूर्तियां रात दिन टूटेंगी मंदिर में मधुक दिखाएंगे। जब ऐसी दशा ना होगी हम कौन दिशा को जाएंगे। हे नाथ, आज वो समय आ रहा है कि बेटियां कोई नहीं जानेगा, पाखंडों की बनाएगी धर्म को कोई नहीं मानेगा, क्षत्रिय कायर हो जाएंगे, बनियों का अधिकार हो जाएगा, कंठी माला छापा टीका आगे कहीं नजर में नहीं आएंगे, हम धर्म धर्म चिल्लाएंगे तो लोग हमारी खिल्लियां उड़ाएंगे। नाथ, ये मुझसे अत्याचार नहीं देखा जाएगा, इसलिए मैं संसार छोड़ करके जा रहा। पृथ्वी कहने लगी, महाराज धर्मावतार, मैं संसार का सारा भार उठाती हूं, दूनी तिगुनी भी सृष्टि बढ़ जाए लेकिन मन में शंका नहीं लाती हूं, पर्वत नदियां तालाब समुद्र ये सब मैं अपने शीश पर चढ़ाती हूं, लेकिन नाथ क्या करूं, जब पाप का बोझ बढ़ने लगता है तो मैं पाप के बोझ से दब जाती हूं, ये बोझ मैं नहीं सह पाऊंगी, ये दशा मुझसे नहीं देखी जाएगी, इसलिए हे धर्मावतार परीक्षित, जहां पर धर्म जाएगा वहीं पर ये पृथ्वी जाएगी। सुनकर ये दारुण व्यथा दिल्ली पत खिसिया आए, उठा खड़ग कहने लगा मत भैया मत मैया बिलखा। माता चिंता मत कर, चाहे कुछ भी हो जाए मैं गौवंश पर अत्याचार नहीं होने दूंगा, अरे इस कलयुग के प्राणों को ले लूंगा लेकिन मैं गौवंश पर अत्याचार नहीं होने दूंगा। अरे जिस मर्यादा के लिए भटके कौशलनाथ, वह मर्यादा आज है नाथ तुम्हारे यहां। निकाल ली तलवार कि कलयुग को हम मार डालेंगे, कलयुग को समाप्त कर देंगे, लेकिन कलयुग कहने लगा महाराज जरा हमको मारने से पहले एक बात सोचिए, विचार कीजिए, ब्रह्मा ने कई युग बनाए हैं, ब्रह्मा ने कई युग बनाए हैं, अच्छे बनाए भले बनाए बुरे बनाए, गोरा बनाया काला बनाया लंबा बनाया छोटा बनाया मोटा बनाया है, हर एक चीज का जोड़ा, जहां अंधेरा है वहां उजेला है, जहां छोटा है वहां बड़ा है, जहां नाटा है वहां खोटा है, उसी प्रकार से महाराज युग भी बनाए,
अगर सब अच्छे ही अच्छे हो जाएं तो खराब का अस्तित्व रह जाएगा क्या? या सब खराब ही खराब हो जाएं तो क्या अच्छे का अस्तित्व रह जाएगा? महाराज, आप मुझको नहीं मारेंगे, आप ब्रह्मा के बनाए हुए विधान को पलट डालेंगे, और ब्रह्मा के बनाए हुए विधान को पलटने का आपको कोई अधिकार नहीं। परीक्षित ने कहा, बात तो ठीक है, लेकिन हम राजा हैं, कुछ हमारे भी नियम हैं, कुछ हमारे अधिकार हैं। ठीक है कलयुग, हम तुमको नहीं मारेंगे, लेकिन हमारी शर्त है कि हम तुमको जहां जहां बताएं तुम वहीं वहीं रह सकते हो, और जहां जहां हम ना बताएं वहां तुम नहीं रह सकते हो। का ठीक है महाराज, बताइए हम कहां कहां रहें और कहां कहां ना रहें। तो देखिए राजा परीक्षित कहां कहां बता रहे हैं कि तुम कहां कहां रह सकते हो और कहां कहां नहीं रह सकते हो। जिस जगह जुए बाजी हो या बाजी हो या झूठी गपोरियां चलती हूं, वैश्याएं जहां निवासिन हूं और मद की प्यालियां चलती हूं, जिस जगह दूसरों के धन पर तस्कर जन सिंध लगाते हूं, जिस जगह निरपराधों के सिर लुच्चे बदकार उड़ाते हूं, जिस जगह न गुरु का मान रहे, जिस जगह न हरि का ध्यान रहे, स्वरण की क्रांति रहे वा तुझे निवासी स्थान रहे, अरे आज कहा देखो जहां पर जुएबाजी हो वहां रह सकते हो, जहां पर वैश्याएं निवास करती हूं वहां रह सकते हो, जहां पर झूठी गप्पे चलती हूं वहां रह सकते हो, जहां पर शराब की प्यालियां पी जा रही हूं वहां पर रह सकते हो, जिस जगह पर दूसरों के धन पर सटासट चोर चोरी कर रहे हो भैया वहां पर रह सकते हो, जहां पर निरपराध बेचारे सच्चे लोग सताए जा रहे हैं उनके सिर लुच्चे बदकार उड़ाते हो जगदम्बा प्रसाद वहां रह सकते हो, जिस जगह गुरु का मान ना रह जाए, जिस जगह गुरु का मान ना रह जाए और जिस जगह भगवान का ध्यान ना रह जाए। अरे कहा भाई महाराज परीक्षित, सब गंधैली जगह दे दी आपने हमको, सब खराब ही खराब जगह दे दी, अरे कोई अच्छी जगह भी तो दे दो। कहा जाओ जहां पर सोना रखा हो, सोना जहां पर सोना रखा हो वहां भी रह सकते हो। बड़ा खुश हो गया भैया कलयुग, क्योंकि कह चुके सोने के अंदर रह सकते हो, और ये भूल गए कि हम अपने सिर पर सोने का मुकुट लगाए हुए हैं और कह चुके हैं कि सोने के अंदर रह सकते हो। बड़ा खुश हो गया, बहुत ही प्रसन्न हो गया कौन कलयुग, कहा महाराज सोने के अंदर रह सकते हैं, कहा जो आज्ञा कहकर गया कलयुग शीश झुकाए, धर्म परीक्षित के हृदय क्यों ही गया समय, घर में भी सोना सर पर भी सोना, इसलिए क्या किया परीक्षित के हृदय में समा गया, क्योंकि कह चुके हैं जहां सोना रहा रखा हो वहां रह सकते हो।
परीक्षित जैसे ज्ञानी ध्यानी राजा के हृदय में जिस समय कलयुग का समागम होता है, आत्मा बदलने लगी, बुद्धि पलटने लगी। भैया जंगल में पहुंचा शिकार खेलने के लिए, कहां जहां महात्मा का आश्रम बना हुआ है। महात्मा का आश्रम बना है, श्रृंगी ऋषि का आश्रम बना है, लोमश ऋषि का आश्रम बना है। आंखों ने देखा तपसीने, आंखों का पलक गिराया है, दिल ने सोचा देख कर मुझे कभी पर संतान नहीं। फिर क्यों अपना मुंह ब्राह्मण ने देखना गवारा किया नहीं। अपमान हमारा किया नहीं। राजा लो गोकाए तेरी राजसी स्वभाव कहता है, कहा श्रवण के परदेश कलयुग भी चोट चलाता है। अरे आज जिस समय लोमश ऋषि के आश्रम में पहुंचे, बेचारा महात्मा अपना ध्यान लगाए, प्रभु का ध्यान लगाए बैठा था, उसे क्या मालूम कोई राजा है या महाराजा है या क्या है। इन्होंने देखा तो कलयुग हृदय में सवार हो चुका था, उल्टा भाव आने लगा है। इस राजा ने हमको देख करके आंखें बंद कर ली। मैं काना नहीं हूं, कुरूप नहीं हूं, मुझको अभिमान नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं संतानहीन हूं, कंजूस नहीं हूं, चुगल नहीं हूं। फिर आखिर इस ब्राह्मण ने, इस महात्मा ने मुझको देखना गवारा क्यों नहीं किया, मुझको देख करके अपनी आंखें क्यों बंद कर ली। क्रोध आ गया। एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था वहां पर, मरा हुआ सर्प, उसको लेकर भैया परीक्षित ने क्या किया, गले में डाल दिया। महात्मा आ गया अपने घर में, इधर तो घर में आ गया, उधर देखिए जब लोमर्स के बेटे श्रृंगी ऋषि को पता चला कि वो राजा परीक्षित, शिष्यों ने बताया हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल गया है। क्रोध में आ गया, आज क्रोध में आकर श्राप दे दिया। अरे ओ नादान राजा,
तूने एक ब्रह्मणत्व को चैलेंज दिया है, ब्रह्मणत्व को आज जगाया है। सच्चे ब्राह्मण सच्चे मुनीस अपना अपमान कब सहन कर सकते हैं? अरे सच्चे के आगे तो भाई ब्रह्मा महेश भी डरते हैं। आ गया जोश तन कांप उठा, तप तेज क्रोध के साथ उठा, ब्रह्मत्व उठा अपनत्व उठा, साथ ही सांप को हाँ श्राप दे दिया आज राजा को संगीर ऋषि ने। ओ धन के मत वाले राजा, ओ धन के मत वाले राजा, ओ माया मधु के दीवाने, मेरे हाथों से मौत तेरी लिखी है विश्व विधाता ने, श्राप दे रहे हैं। बस सावधान, बस सावधान, ओ तक्षक जीवती हो जाओ, आठवें रोज उस पापी को दुनिया से अंकुर पहुंचाओ, सावधान सावधान तक्षक जीवित हो जाओ, आठवें रोज उस पापी राजा को जिसने हमारे पिता का अपमान किया है जीवित होकर के उसको डस लो, उसे मार डालो, हम दिखा दे दुनिया में कि ब्रह्मत्व में तेज क्या है। ब्रह्मत्व तेज हम भी दुनिया को दिखा जाएं, बता रहे क्या ब्रह्मत्व तेज हम भी दुनिया को दिखा जाएं, ब्रह्मत्व तेज हम भी दुनिया को दिखा जाएं, ब्रह्मत्व तेज भी हम दुनिया को दिखा जाएं, दिलों में अपना नाम यों लिखा जाए, जिंदा दिलों में अपना नाम यों लिखा जाए, मर जाए या मिट जाए हो जाए, मर जाए मिट जाए हो जाए क्यों ना गारत, मर जाए मिट जाए हो जाए क्यों ना गारत, मरने का तर्ज लेकिन लोगों को सिखा जाए, गोविंद दीन है पर वो नहीं बताते, गोविंद दीन है पर वो नहीं बताते, जिनको कभी ना पापी भी डाल के खा जाए। आज जब श्राप दे दिया, लोमस ऋषि जब जागे उनको पता चला कि हमारे बेटे ने उनको श्राप दिया है, समझाने लगे बेटा जिस राज्य में हम तुम इतना आराम से रह रहे हैं, हमारा ये फर्ज नहीं बनता है कि हमारे राज्य का राजा जो है वो इस प्रकार से
समाप्त हो, खत्म हो। बेटा तुम्हें नहीं मालूम, जो भी व्यक्ति सर्प के काटने से मरता है वो सीधे घोर नरक में जाता है। हमारे तुम्हारे होते हुए हमारा तुम्हारा राजा घोर नरक में जाए, ये भी बड़े शर्म की बात है। इसलिए जाओ महाराज परीक्षित को यह सूचना दे दो, ये खबर कर दो कि आज से सातवें दिन आपको तक्षक नाक काटेगा। अगर आप नाक के काटने से कोई बचत कर सकते हैं, कोई उपाय कर सकते हैं तो कर आइए। इधर जब राजा को खबर मिली, बहुत सारे विद्वानों को बुलाया, संत महात्माओं को बुलाया कि भाई सात दिन के बाद मेरी मृत्यु है, सर्प के काटने से मैं मर जाऊंगा, आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि मैं सात दिनों में घोर नरक से बच जाऊं। आज किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि भाई सात दिनों में कितना भजन पूजन किया जाए जो महाराज परीक्षित घोर नरक से बच जाएं। मन में सोचा जब मरना ही है तो इस घर में क्यों मरे, चलो चलते हैं बाहर प्रभु का भजन करते हैं और वहीं पर अपना अंतिम जीवन पूरा करते हैं। ओ मन मौजी बाबले, ओ धन के दीवान, इस दीवानी की तरफ देख लगा कर जान। वारे प्रभु की माया, वारे तकदीर का खेल मेरे भाइयों। आज विधाता के आगे किसी की नहीं चलती। आज जिस राजा के घर में हजारों मन सोना भरा है, सब कुछ भरा है, आज बेचारा वो विधि के विधान के आगे वन में भटकता हुआ घूम रहा है, वन में भटकता हुआ घूम रहा है। जो राजा कभी उसी वन में, उसी जंगल में खजाने की कौड़ियां गिना करता था, आज बेचारा समय के चक्कर में पड़कर उसी गंगा के किनारे, आज उसी नदी के किनारे मौत की घड़ियां गिन रहा है, मौत की घड़ियां। सच है बंधुओं, ये सब धन दौलत, ये सारा संसार, ये सब कुछ एक दिन यहीं पड़ा रह जाना है, यहीं रह जाना है, संसार में ही छूट जाना है। आज बेकार का बहम संसार में हम लिए घूमते हैं, ये धन दौलत ये किस काम की है, ये भैया एक दिन सब कुछ यहीं पर छूट जाएगी ना। आज राजा के पास किस बात की कमी है, लेकिन बेचारा राजा आज जंगल में भटकता हुआ घूम रहा है, जिंदगी के दिन पूरे कर रहा है। ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जिससे वो कोई ऐसा उपाय करे, कुछ ऐसा करे जिससे कि आज उसका जीवन भैया बच जाए। जिस धन दौलत की ममता में तू जमी आसमां पाट रहा, जिस सुख वैभव की इच्छा में दोनों की गर्दन काट रहा। किस
किसी ने सच कहा है भैया। चार दिनों, चार दिनों का तू है मुसाफिर, करता क्यों मन माना रे। चार दिनों का तू है मुसाफिर, करता क्यों मनमाना रे। आज नहीं तो कल है जाना, आज नहीं तो कल है जाना, इसका कौन ठिकाना रे। पल भर का यह रंग रूप है माटी में मिल जाएगा, जैसी करनी की है तूने वैसा ही फल पाएगा। अब तू तेजी श्वास की डोरी, फिर होगा पछताना रे। चार दिनों का तू है मुसाफिर, करता क्यों मन माना रे। जब तक यह जीवन है बाकी, अच्छी करनी कर ले तू। जब तक यह जीवन बाकी है, अच्छी करनी कर ले तू। सबके साथ भलाई करके प्रेम की झोली भर ले तू। छोड़ के एक दिन होगा तुमको जाना रे। चार दिनों का तू है मुसाफिर, करता क्यों मन माना रे। कल कल करते जीवन बीता, देखो कल भी बीत गया। अरे बार महाराज, कल कल करते जीवन बीता, देखो कल भी बीत गया। आज नहीं तो कल कर लेंगे, पल पल भी यूं बीत गया। मोह जाल में फंस के पगले, कितना हुआ दीवाना रे। चार दिनों का तू है मुसाफिर, करता क्यों मन माना रे। पार लगेगी उसकी नैया, जिसने हर गुण गाया है।
पार लगेगी उसकी नैया जिसने भी गुन गाया है, जिसके तन के रोम रोम में केवल राम समाया है। अब भी प्रभु से लगन लगा ले बंदे, अरे नवीन मिश्रा, पार लगेगी उसकी नैया जिसने हरि गुण गाया है। जिसके तन के रोम रोम में केवल राम समाया है, अब भी प्रभु से लगन लगा ले मिश्रा, इसे भूल मत जाना रे। चार दिनों का तू है मुसाफिर, करता तू मनमाना रे। चार दिनों का तू है मुसाफिर, करता तू मन माना रे। आज नहीं तो कल है जाना, इसका कौन ठिकाना रे। आज नहीं तो कल है जाना, इसका कौन ठिकाना रे। आज महाराज परीक्षित बेचारे जंगल में बैठे हुए हैं। जब बड़े बड़े संत महात्माओं ने सुना कि भाई हमारे राजा आज से सातवें दिन आठवें दिन सर्प के काटने से मर जाएंगे, तो एक एक करके वहां पर सभी संत महात्मा इकट्ठा होने लगे। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, गिनती में 88,000 महात्मा इकट्ठा हो गए। एक से एक लंबी लंबी जटाओं वाले, बड़े ही बूढ़े सयाने, सभी बड़ा विचार करते हैं, मगर किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा उपाय किया जाए, क्या किया जाए जो हमारे महाराज परीक्षित आज से सातवें दिन घोर नरक से बच जाएं। इतने में सुखदेव भी छुटकाए सब केस, आ पहुंचे उस भूमि पर ये दिगंबर भेष। सबने क्या देखा, सुखदेव जी चले आ रहे हैं जिनकी अवस्था केवल 12 साल की है, नंग धड़ंग, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं। हाँ, जब सुखदेव जी को आते हुए देखा तो सभी महात्मा, हजार हजार साल के बुढ़े महात्मा, सब जय जयकार करने लगे। जय हो महाराज की जय हो। सब चरणों पर लेकर के लंबे लंबे साष्टांग प्रणाम करते हैं। भैया, आज शंका हो गई महाराज परीक्षित के हृदय में। जानते हो कैसी शंका, भाई ये क्या बात, इतने बुढ़े बुढ़े महात्मा और ये 12 साल के सुखदेव जी को नमस्कार कर रहे हैं, ऐसा क्यों, जबकि इनको तो अपने से बड़ों को नमस्कार करना चाहिए, इनको तो अपने से बड़ों को नमस्कार करना चाहिए। आज पूछा तो महात्मा बताने लगे, देख राजा, उम्र का कोई बात तगाजा नहीं होता, उम्र का कोई भाव नहीं, ज्ञान में उम्र का हिसाब नहीं लगाया जाता, ज्ञान में तो ज्ञान का हिसाब लगाया जाता है। अगर बुढ़े को ज्ञान कम है वृद्ध को तो, और अगर बालक को ज्ञान ज्यादा है
तो ज्ञान मार्ग में बालक बड़ा समझा जाएगा, वृद्ध छोटा समझा जाएगा। हम लोग यहां पर इतने बड़े बड़े जरूर हैं, लेकिन यहां पर जितना ज्ञान सुखदेव जी को है राजन, जितना ज्ञान सुखदेव जी को है राजन, उतना ज्ञान किसी और को नहीं है। इसलिए ज्ञान के रास्ते में हमने इनको बड़ा समझ करके प्रणाम किया है। अरे राजन, तुम भी इनके चरणों पर गिर जाओ। अगर इनकी दया हो गई, इनकी मर्जी हो गई, तो तुम्हारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। कल्याण आज जब ये सुना तो चरणों पर गिर गए, चरणों से लिपट गए, कहने लगे, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, 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 प्रभु जी तुम दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु। चरण पकड़ लिए ना, क्षमा करो, मेरे अपराधों को क्षमा करो, मेरी भावनाओं को क्षमा करो। नाथ एक बात बताओ, बोला ऋषि से वो क्षमा कीजे, कुछ ध्यान न दीजे दोषों पर, कुछ ध्यान न दीजे दोषों पर, अज्ञान मोह का पर्दा है ये नाथ दास की आँखों पर, प्रकार कर सकता हूँ, है सात रोज का समय फकत, कहिए क्या क्या कर सकता हूँ, केवल 7 दिन का समय है, और आप बताएं हम 7 दिनों के समय में कितना भजन पूजन कर ले महाराज, जो हम घोर नरक से बच जाएं। सुखदेव ने प्यार भरा हाथ परीक्षित के सिर पर फेरा और हंसने लगे, हे राजा क्यों दुखी हो रहा है, हम तुझसे जो कह रहे हैं हमारी बात ध्यान देकर सुन। जब उस प्रभु की इच्छा होती है ना, तो सब कुछ हो जाता है, उस प्रभु पर बड़ा ही भक्त का प्रेम होता है। बस ये सिद्धांत अटल राजन, जब भली भांति जम जाएगा,
तब दुनिया का हर एक राज एक ही रूप दिखलाएगा। उस समय मुक्ति का शांति रूप आप ही नजर से आएगा। फिर ब्रह्म रूप सच्चिदानंद अपने ही में दिखलाएगा। राजन कुछ ऐसा अचल अमित राजन कुछ ऐसा अचल अमित है असर नाम की शक्ति में है। सात रोज की बात बहुत पल भी न लगेगा मुक्ति में। ज्ञान की गाथ के सब की लीलाएं रंग जमाएंगी। मूल के सींचने से खुद ही सब शाखाएं सींच जाएंगी। पहले जो नियम सुनाता हूँ राजन तू उनका पालन करो। उन विश्व बिहारी माधव के चरणों का मन से चिंतन कर। अरे हम तुझे भागवत पुराण की कथा सुनाते हैं, केशव की लीलाएं सुनाते हैं, भागवत पुराण की कथा जब तू सुनेगा तो तेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। राजन कथा सुनाने से पहले हम उसको बता रहे हैं कि श्रोता के गुण और दोष कैसे होना चाहिए। जिस समय कथा सुनने आए तो स्वर्ग स्वच्छता से आए। माया के द्वंद फंद हरगिज अपने न साथ में वो लाए। हर कीर्तन में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो। अपनी विद्या अपने गुण का अभिमान न हो। मगर आजकल कुछ दुष्ट कैसे आते हैं कथा सुनने भैया। कुछ दुष्ट इसलिए आते हैं देखें पंडित जी कैसे हैं। कुछ निंदक यही सोचते हैं ये कथा किस तरह कहते हैं। कुछ विद्या बंद जतलाने को बीच में विवाद उड़ाते हैं। कुछ नीच परस्पर लड़ भिड़ कर लाठी डंडे चटकाते हैं। महाराज कितने ही दुष्ट दुराचारी भक्ति बन बन कर आते हैं। पंडित जी कथा सुनाते हैं लाला जी आंख लड़ाते हैं। पंडित जी कथा सुनाते हैं लाला जी आंख लड़ाते हैं। अरे राजन जो कथा में अपकर्म करता है जानते हो उसकी क्या दशा होती है। राजन जो हर गाथ में करते हैं अपकर्म वे श्वानों की मौत ही मरते हैं बेशर्म। वे सियारों की मौत बेशर्म मरते हैं। अब एक आसन होकर के महात्मा जी बैठ गए और दूसरे आसन पर सुखदेव जी बैठ गए। बड़े प्रेम से आज भगवान कृष्ण की पावन गाथा
महाराज देव जी सुनाने लगे। साथियों धीरे धीरे रामा कैसेट के द्वारा ये परीक्षित जन्म की कथा अंतिम क्षणों की तरफ पहुंच रही है। चलते चलते देखिए मगन हो गए सुखदेव जी और क्या कहते हैं प्रसन्न होकर। हर तरह हम श्याम सुंदर, हर तरह हम श्याम सुंदर के सहारे हो चुके। हर तरह हम श्याम सुंदर के सहारे हो चुके, हर तरह हम श्याम सुंदर के सहारे हो चुके, हर तरह हम श्याम सुंदर के सहारे हो चुके। देवकी नंदन हमारे, देवकी नंदन हमारे प्राण प्यारे हो चुके। देवकी नंदन हमारे प्राण प्यारे हो चुके, देवकी नंदन हमारे प्राण प्यारे हो चुके। याही चारा याही बस और बोलो क्या करें, जिस कदर माया से न्यारे हो चुके। हो सके माया से न्यारे हो सके, तुम सुनो या मत सुनो हम सुनाते जाएंगे। अरे मिश्रा नवीन तू भी सुन ले, तू सुने या मत सुने मिश्रा हम सुनाते जाएंगे। मास्टर तुम हमारे हो चुके, तुम हमारे हो चुके और हम तुम्हारे हो चुके। तुम हमारे हो चुके और हम तुम्हारे हो